भारतीय मूल के नागरिकों का विदेशों में दबदबा बढ़ता जा रहा है विदेशी जमी पर भारतीयों ने हॉलीवुड कॉरपोरेट, साइंटिस्ट पॉलिटिकल या फिर प्रशासनिक क्षेत्र में लोहा मनवाया है इसी बीच खबर सामने आ रही है कि भारतीय मूल की दो युवतियों को जज नियुक्त किया है जो अपराधियों को उनकी करने पर सजा सुनाएगी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बिल्डी ब्लॉसियो ने जज अर्चना राव को क्रिमिनल कोर्ट में और जज दीपा आम्बेकर सिविल कोर्ट में नियुक्त किया है वैसे तो अर्चना राव को पिछले साल जनवरी 2019 में दीवानी अदालत में अंतरिम न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था लेकिन अब उन्हें क्रिमिनल कोर्ट में नियुक्त कर दिया गया है वो पहले न्यूयॉर्क काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस में 17 वर्ष तक कार्यरत रही थी साथ ही अर्चना फाइनेंशियल फ्रॉड्स ब्यूरो की प्रमुख भी है उन्होंने वस्तार कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की है इसी के साथ उन्होंने फॉरदम यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है वहीं दीपा अम्बेडकर को पहली बार दो में सिविल कोर्ट में जज बनाया गया था ये कमेटी ऑन पब्लिक सेफ्टी में वरिष्ठ लेजिस्लेटिव अटॉर्नी और काउंसिल भी रह चुकी हैं इन्होंने अपनी पढ़ाई मिशिगन यूनिवर्सिटी से पूर्ण की और रूटर लॉ स्कूल से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की है साथ ही दीपा ने न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल के साथ तीन साल तक सीनियर लेजिस्लेटिव अटॉर्नी और सार्वजनिक सुरक्षा समिति के वकील के रूप में कार्य किया हुआ है सब्सक्राइब चैनल एंड अपडेट्स